दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। दिल्ली शराब घोटाला केस से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। अभी वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।